हरे ओम आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जनमान्त्र सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते नमो धरं विधात्रे नमो करं साक्षिणे नमो प्रत्यक्ष देवाय भास्कराय नमो नमः एहि सूर्य सहस्रांशु तेजो राशे जगत्पते अनुकम्मा भक्त्या ग्रहणा अर्घ्य दिवाकरम् सप्ताश्वम् समारूढा अरुणसारथी उत्तमम् श्वेतपदम् धर देवित्वा सूर्य प्रणभाभ्यहम् नेक्षकरथो यस्य दिव्यकनकभूषितः स मे भक्तो सुप्रीता पद्यहस्त दिवाकरः बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस एपिसोड पर मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको सूर्य भगवान के 12 नामों का स्मरण करवाऊंगा। सूर्य देवता के 12 नाम बताऊंगा जिनको हर सुबह पढ़ने से जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिल सकती है। प्रिय साथियों, सूर्य देवता का पूजन सूर्य नमस्कार भी नित्य पूजा का एक अभिन्न अंग है और सूर्य भगवान की पूजा करने से हमें हर तरह के रोग से, हर तरह के कष्ट से छुटकारा मिल सकता है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको सूर्य भगवान के जो 12 नाम बताऊंगा उनका स्मरण अगर आप हर सुबह करते हैं, उन 12 नामों को अगर आप हर सुबह पढ़ते हैं तो आपको भी सूर्य देवता की कृपा की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य पीड़ा दे रहा है उनके लिए तो विशेष रूप से यह कार्य जरूरी हो जाता है। अगर ऐसे जातक जिनका सूर्य जन्म कुंडली में अशुभ परिणाम दे रहा है तो इन 12 नामों का प्रतिदिन स्मरण करने से सूर्य भगवान अपना शुभ प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं। प्रिय साथियों, ऐसे जातक जो वाद विवाद में अक्सर घिरे रहते हैं या जिनका किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई विवाद चलता रहता है तो ऐसे जातक अगर हर सुबह सूर्य देव के इन 12 नामों का स्मरण करते हैं, इन 12 नामों को पढ़ते हैं तो ऐसे जातकों को हर तरह के वाद विवाद से छुटकारा मिल सकता है। प्रिय साथियों, सूर्य देवता की हर प्रकार से कृपा प्राप्ति करने के लिए इन 12 नामों का प्रतिदिन स्मरण जरूर करना चाहिए। प्रिय साथियों, जब भी आप सुबह नहा धोने के पश्चात अपने मंदिर में बैठते हैं पूजा करने के लिए तो वहां पर आप एक तांबे के पात्र में जल भर लें और उसमें एक या दो फूल डाल लें और उस तांबे के पात्र को अपने मंदिर में रख लें। उसके बाद आपने सूर्य भगवान के इन 12 नामों को पढ़ना है। जी हाँ, अब मैं आपको सूर्य देवता के उन 12 नामों के बारे में बताऊंगा जो आपने हर रोज स्मरण करने हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पोषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम मरकाय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः। तो प्रिय साथियों, इस प्रकार से ये 12 नाम मैंने आपको बताए हैं जो सूर्य भगवान के हैं। सूर्य देवता को ये 12 नाम अति प्रिय हैं और जो भी जातक हर सुबह इन 12 नामों को पढ़ता है उसे अपने जीवन में कभी भी सूर्य भगवान की कुदृष्टि का सामना नहीं करना पड़ता। उनकी जन्म कुंडली में अगर सूर्य किसी भी तरह से पीड़ा दे रहा है तो हर सुबह इन 12 नामों का जाप करने से भगवान सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं और जातक को अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रिय साथियों, उसके बाद
आपने उनको अर्घ दे देना है। प्रिय साथियों, इस तरह से अगर आप हर रोज यह क्रिया करते हैं तो बहुत ही जल्द भगवान सूर्य देवता की असीम अनुकंपा की प्राप्ति आपको हो सकती है। प्रिय साथियों, कहते हैं कि जो भी जातक हर रोज सूर्य भगवान के इन 12 नामों का स्मरण करता है उसको सूर्य भगवान की हर कृपा की प्राप्ति होती है, उसके अच्छी नौकरी के योग बनते हैं, हर प्रकार के वाद विवाद से वह जातक बचा रहता है। जो डेली रूटीन से सूर्य देवता के इन 12 नामों का स्मरण करता है और ऐसे जातक जो इन 12 नामों को हर रोज पढ़ते हैं उनको धन की प्राप्ति होती है, उनको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है और संसार में उनके मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है, उन्हें यश ख्याति और कीर्ति की प्राप्ति होती है। तो इसलिए प्रिय दर्शकों, अगर आपको भी लगता है कि सूर्य देवता आपकी जन्म कुंडली में, सूर्य ग्रह की तरफ से आपकी जन्म कुंडली में किसी तरह की पीड़ा आपको प्राप्त हो रही है तो आप भी हर सुबह इन 12 नामों का जाप करना प्रारंभ कर दें। बहुत ही जल्द सूर्य भगवान की, सूर्य ग्रह की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी और भगवान सूर्य देवता के आशीर्वाद से आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। प्रिय साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। जो भी दर्शक पहली बार पंडित नीति शास्त्री चैनल पर आए हैं, धर्म कर्म से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लेंगे जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त हो सके। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी दर्शकों से आज्ञा लेता हूँ। आप इसी तरह से सदैव हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और भगवान सूर्य नारायण की कृपा यूं ही सदैव आपके ऊपर बनी रहे। ओम हरे हे ओम महा सूर्य देवाय नमो नमः।